हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ जागरण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शिवलिंग जो होता है, आजकल सावन का महीना चल रहा है और शिवलिंग पर आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन यानी घंटी को, ताकि न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, देवों के देव महादेव को प्रसन्न करना आसान है, लेकिन ये नाराज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। कहा जाता है कि पुरुषों के अपेक्षा भगवान शिव महिलाओं से जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मन से उनकी श्रद्धा करना काफी है। पर क्या आप जानते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जो शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ानी चाहिए? दोस्तों, आज यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको शिवलिंग पर कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले, शंख से नहीं करनी चाहिए पूजा। शंख का प्रयोग आमतौर पर हर पूजा में किया जाता है, लेकिन शिवजी की पूजा में इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कभी भी शिव की पूजा करें तो शंख से पूजा बिल्कुल भी ना करें। तुलसी के पत्ते कभी भी ना चढ़ाएं। तुलसी के पत्तों को शिव पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। जलंधर नामक असुर की पत्नी वृंदा के अंश से तुलसी का जन्म हुआ था, जिसे भगवान विष्णु ने पत्नी के रूप में अपनाया था। इसलिए दोस्तों, शिव की पूजा करें तो तुलसी की जगह बेल पत्तों का प्रयोग करना चाहिए। तुलसी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। काला तिल नहीं चढ़ाना चाहिए। काले तिल का प्रयोग अक्सर पूजा पाठ में किया जाता है, पर कहा जाता है कि तिल भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे भी शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। सिंदूर भी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। सिंदूर या कुमकुम महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती हैं, अर्थात शिवलिंग पर सिंदूर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि इसे सौभाग्य का चिन्ह माना जाता है और भोलेनाथ को वैरागी कहा जाता है। इसलिए भगवान शिव पर सिंदूर कभी भी नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन चंदन से शिव जी की पूजा की जा सकती है। हल्दी भी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर हल्दी कभी नहीं चढ़ाई जाती है, क्योंकि यह महिलाओं की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है, और भगवान शिव तो वैसे ही सुंदर हैं, तथा हल्दी का संबंध भगवान विष्णु से भी माना जाता है, जिसके कारण भगवान शिव के प्रतीक पर शिवलिंग पर हल्दी कभी नहीं चढ़ाई जाती है। नारियल पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी की पूजा में नारियल का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल को बहुत ही शुद्ध माना जाता है, लेकिन इसको भी शिवलिंग पर चढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि नारियल लक्ष्मी का प्रतीक है और लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। लाल रंग के फूल नहीं चढ़ाते हैं। ज़्यादातर लोग शिवजी पर लाल रंग के फूल चढ़ाते हैं, पर भोलेनाथ को लाल रंग के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। साथ ही केतकी और केवड़े के फूल भी बिल्कुल नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव जी को सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाने चाहिए, इससे वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। लोहे या स्टील के लोटे का प्रयोग कभी ना करें। भगवान शिव पर हम प्रतिदिन पानी चढ़ाते हैं, पर एक बात का हमेशा ध्यान दें, भगवान भोलेनाथ पर हमेशा पीतल, कांसे या अष्ट धातु से बने बर्तन या लोटे का ही जल चढ़ाना चाहिए। लोहे या स्टील के बर्तन से कभी भी शिवलिंग पर पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।